उज्जैन में शुक्रवार की शाम तेज बारिश के बीच महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के पास एक दीवार ढह गई। मलबे में दबने से अजय योगी और फरीन राठौर की मौत हो गई। शारदाबाई और 3 साल की रूही राठौर गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे अजय योगी का शव रखकर परिजनों ने मोहन नगर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। उज्जैन आगर रोड पर वाहनों की कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मौके पर SDM LN गर्ग, CSP सुमित अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। 4 नंबर VIP गेट के सामने दीवार गिर गई, उसके कारण उसमें 5-7 लोग दब गए, 2-4 लोग की मृत्यु भी हो गई है। आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ? दुकान लगा रहे थे महाकाल पे, फूल प्रसाद की दुकान है। क्या बारिश हो रही थी? बारिश खतरनाक गिर रही थी। क्या समय होगा उसका? 6 बजे से 6:30 बजे का हादसा हुआ है। ये जो घायल है आपके क्या हैं? ये मेरी वाइफ है, साहब शारदा भाई, फूल प्रसाद की दुकान लगा रहे हैं। दरअसल इस हादसे में बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जो दीवार ढही है वह 20 साल पुरानी थी। इसी दीवार के पीछे एक और दीवार बनाई गई है जिसका निर्माण मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने कराया है। दोनों दीवारों के बीच करीब 10 फीट का गैप है। इसमें बड़ी मात्रा में काली मिट्टी को डाला गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि सोमवार से ही यहाँ पानी भर रहा था। लगातार बारिश से मिट्टी गीली होती गई, यहाँ पानी निकासी का कोई इंतजाम भी नहीं था। शुक्रवार शाम को भी जब तेज बारिश हुई तो पानी निकलने की जगह नहीं मिली। प्रेशर बनने से पुरानी दीवार के ऊपर वाला हिस्सा ढह गया। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाने के लिए JCB बुलवाई। राहत और बचाव कार्य के बाद बाकी बची क्षतिग्रस्त दीवार को भी गिरा दिया गया। देखिए, महाकाल मंदिर के जो बाहर 4 नंबर के सामने जो दीवार है महाराजवाड़ा की, वहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग रहते हैं वो बैठे हुए थे। प्राकृतिक आपदा ही कही जाएगी कि तेज बारिश हुई और बारिश के कारण जो मलबा था वो नीचे की तरफ आया और उसके अंदर 3-4 लोग घायल हो गए हैं। चरक अस्पताल में इलाज चल रहा है और हम सब लोग लगे हैं कि बाबा महाकाल की कृपा से किसी को कोई हानि ना हो और जल्दी स्वस्थ हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया है। कलेक्टर नीरज कुमार ने कहा कि मामले की जांच SDM करेंगे। कांग्रेस ने मांग की है कि दीवार कैसे गिरी, क्यों गिरी, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। ये सायंकालीन जो भगवान महाकाल की आरती के तत्काल पहले की घटना है, इसमें गेट नंबर 4 के सामने बड़ा गणेश के बगल में जो दीवार थी पुरानी, उसके गिरने से ये हादसा हुआ। और जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो हमारे यहाँ जो महाकाल मंदिर के होमगार्ड के जो मुख्य सुरक्षा प्रभारी हैं प्लाटून कमांडर दिलीप बामनिया, वे हमारे होमगार्ड के जवानों को साथ लेकर के तत्काल घटनास्थल पर पहुँचे और हमने रामघाट पर हमारे जो SDRF के जो जवान तैनात थे उनको भी यहाँ तत्काल उसी समय घटनास्थल पर भेजा। और मलबे से जो दबे हुए लोग थे उसमें 2 महिलाएँ थी, 1 पुरुष थे, उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा और जो 2 छोटे बच्चे थे उनको CPR दिया और CPR देकर के उनको अस्पताल भेजा है। फुल ये लगातार जो पानी गिर रहा था और तेज बारिश जो हुई थी उसके कारण से दीवार पुरानी थी और उस कारण से जो दीवार का जो कुछ हिस्सा था वो गिरा और उस कारण से ये जो लोग किनारे पे खड़े थे ये लोग उसमें उसकी चपेट में आ गए। तो ये कुल 5 लोग थे जिनको अस्पताल पहुंचाया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कंप्लीट हुआ है। लगभग लोगों में कितने बच्चे, कितने महिला? इसमें 2 छोटे बच्चे थे और 2 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यूँ इस प्रकार से कुल 5 ये विक्टिम हुए यहाँ पर।